अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी फ्रेंड्स को। और फ्रेंड देखिए, आज हम गए थे क्लॉक टावर पे, जहाँ पे ये एग्जीबिशन लगी हुई थी और जिसमें हमारे शालम भाई और छोटे उस्ताद और सरवत जमाल साहब भी हैं। ये देखिए जो फेस्टिवल में थे, और इस फेस्टिवल में देखिए काफ़ी रंगीन कलरफुल पतंगे फ्रेंड आई हुई हैं, लगाई भी गई हैं। ये देखिए एग्जीबिशन की, ये देखिए कितनी बढ़िया काइट्स यहाँ पर लगाई गई हैं। और अमर उजाला की तरफ से देखिए कुछ काइट्स हैं। ये देखिए अमर उजाला का ये प्रोग्राम है मकर संक्रांति, जिसमें अमर उजाला की पतंगे उड़ाई जाएंगी, और काफ़ी बच्चे भी वहाँ पे थे मौजूद जिनको पतंगे बांटी गई। ये सब ये अमर उजाला की काइट्स हैं फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया शानदार। और ये हमारे शेरू भाई बैठे हुए हैं, और शेरू भाई ने भी काफ़ी वहाँ पर पतंगे उड़ाई। शालम भाई के साथ हमारे छोटे उस्ताद अपनी फैंसी पतंग लेके गए थे, वो दिखाई है। संक्रांति का मेला है, संक्रांति का मेला। ये लखनऊ का घंटाघर है, क्लॉक टावर इसे बोलते हैं। देखिए कितना शानदार बना है। और इसमें गाने का ही प्रोग्राम हुआ। और ये देखिए जो फेस्टिवल हुआ है, इसमें काफ़ी बेहतरीन एक से एक पौने से भी बड़ी पतंगे वगैरह यहाँ पे लगाई गई हैं इस फेस्टिवल। और फ्रेंड अमर उजाला की तरफ से एक यहाँ पे स्टेज बनाया गया था पतंग के लिए, जहाँ पे सबने यहाँ पे पतंग उड़ाई है, काइट फाइटिंग की है। फ्रेंड देखिए काफ़ी बच्चों ने भी यहाँ पर खूब मौज मस्ती की है फ्रेंड, काइट फाइटिंग की है, पतंग को उड़ाया, और काफ़ी बच्चों को पतंग भी दी गई। और यहाँ पे कुछ लोग, बहुत से लोग आए हुए थे जिन्होंने पतंग उड़ाई है यहाँ पे। हमारे शालम भाई ने भी पतंग उड़ाई। ये देखिए शालम भाई के हाथ में पतंग है अमर उजाला की। हमारे सरवत जमाल साहब भी पतंग लिए हैं अमर उजाला की। और देखिए हमारे शेरू भाई भी पतंग उड़ाते हुए साथ में बच्चे के साथ। और देखिए सरवत जमाल ने भी देखिए पतंग उड़ाई है यहाँ पर बढ़िया। ये देखिए और सरवत जमाल साहब के साथ देखिए छोटे उस्ताद भी हैं जिन्होंने अपने पतंगों के कन्ने बांध रहे हैं। और ये देखिए थोड़ा सा खींचिए पतंग को, खींचिए। हाँ ये देखिए फ्रेंड पतंग को खींचा है। एक प्रस्तुति देना चाह रहे हैं, उनको भी दे दी अपर्णा जी के लिए जोरदार ताली बजाने की। सब आपके हैं। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे अमर उजाला का प्रोग्राम हुआ है पतंग का, और ये देखिए जिसमें सभी लोग आए हुए हैं। देखिए हमारे और ये देखिए उस्ताद ने बढ़िया अपनी पतंग देखी चलाई है अमर उजाला की, और साथ में शालम भाई भी हैं देखिए छोटे उस्ताद के साथ। और फिर मैंने भी ज़रा सी पतंग उड़ाई छोटे उस्ताद के साथ इसी स्टेज पे, एंड वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा था। पतंग उड़ाने में बहुत मज़ा आया हम लोगों को। और फ्रेंड इसकी फुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इसकी फुल वीडियो भी आएगी जिसमें आपको पूरी वीडियो देखने में मज़ा आएगा। और फ्रेंड देखिए हमने भी पतंग उड़ाई, कबूतर वाली पतंग उड़ाई थी एससी की, बहुत ही शानदार पतंग थी जो कि मैंने खींची थोड़ी देर उसको। ये छोटे उस्ताद के पास एक रंगीन कंगवा भी था झंडेदार, ये देखिए, और वो थोड़ा फट गया था इसलिए नहीं उड़ा पाया, टेप नहीं था। फिर तौसीफ भाई ने भी कबूतर वाली पतंग के कन्ने बांधे हैं पतंग उड़ाने के लिए। फिर तौसीफ भाई ने भी थोड़ी सी शौक किया, लेकिन बच्चों ने बहुत ही मज़े किए वहाँ पर पतंग उड़ाई है फ्रेंड, काफ़ी मज़ा आया फ्रेंड। देखिए क्लॉक टावर है लखनऊ का, जहाँ पे प्रोग्राम होता है, इसे घंटा घर भी बोलते हैं। और ये देखिए घंटा घर है जहाँ। हेलो,
हेलो। छोटे उस्ताद ने भी पतंग जो उड़ाई, बहुत मज़ा किया। उन्होंने कबूतर वाली पतंग अपनी खींच के देखी है वहाँ पे, बहुत ही शानदार फैंसी पतंग थी। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए हमारे, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।